काफी बड़ा है और काफी खूबसूरत दिखता है। ये कोलकाता का इंडियन गार्डन 17 गेट है, तो यहाँ से इसका मेन गेट है, फर्स्ट गेट यहाँ पे है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में कोलकाता का क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम विजिट करने जा रहा हूँ, जो कोलकाता के धर्मतला में स्थापित है। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ से चलते हैं कोलकाता का धर्मतला और उसके बाद आपको दिखाते हैं कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद फाइनली आ गया कोलकाता का हावड़ा बस स्टैंड पे, और यहाँ चलते हैं कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम। तो फाइनली धर्मतला इडन गार्डन जाने वाली बस पकड़ लिया और करीब 15 मिनट यात्रा करने के बाद धर्मतला पहुंच गया। तो गाइस, ये एस्प्लेनेड रोड, तो यहाँ से करीब 5 मिनट की दूरी पर है कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम। तो चलिए चलते इस रास्ते से और आपको दिखाते हैं कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम। तो यहाँ से गाइस इडन गार्डन स्टेडियम का लाइट दिख रहा होगा, तो चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम। तो गाइस, कोलकाता के धर्मतला जो लोकेशन है काफ़ी सुंदर है और यहाँ का रास्ते जो है चकाचक है। रास्ते देख सकते हो, एक भी कूड़ा कचरा आपको पड़ा नहीं दिखेगा। तो धर्मतला के रास्तों पर वॉक करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस, यहाँ से आपको इडन गार्डन स्टेडियम का लाइट दिख रहा होगा, तो चलिए चलते हैं और आपको नज़दीक से दिखाते हैं कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम। तो गाइस, व्यू देखिए कितने अच्छे से कोलकाता का इस धर्मतला के रोड को सजाया गया है, और काफ़ी चौड़ा रोड है। यहाँ पे व्हीकल्स का ट्रैफिक जाम नहीं होता है क्योंकि रोड काफ़ी चौड़ा है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जेब्रा क्रॉसिंग चलता है, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग कैमरा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अब चलते हैं रोड के उस पर, आपको दिखाते हैं कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम। तो फाइनली गाइस, रोड के इस पर आ गया और इस पर से उस पर जाना है इडन गार्डन का व्यू देखने के लिए और दिखाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, अभी शाम ढल रहा है जिसके कारण थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो यहाँ से रास्ते के उस पर चलते हैं और आपको रास्ते के उस पर इडन गार्डन स्टेडियम का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पे गाइस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू बनाया गया है। तो और अगर तरफ चलते हैं, और काफ़ी करीब आ गया हूँ कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम के। तो यहाँ से आपको व्यू दिख रहा होगा। तो फाइनली गाइस, रोड के इस पर आ गया और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैदान दिख रहा होगा। इस मैदान में विशेष करके पॉलिटिकल मीटिंग हुआ करते हैं, और इसके ठीक पास में है इडन गार्डन स्टेडियम। चलिए चलते हैं, आपको नज़दीक से व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, चलते चलते काफ़ी करीब आ गया इडन गार्डन स्टेडियम के। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इडन गार्डन स्टेडियम का व्यू, तो चलिए और करीब से दिखाते हैं कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम का व्यू। तो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हो कोलकाता का इस इडन गार्डन स्टेडियम का व्यू कितना सुंदर दिखता है। तो फाइनली गाइस, आ गया कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम के सामने, और वहाँ पे है इन गेट। तो चलिए चलते हैं इन गेट के सामने और वहाँ से कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम का व्यू दिखाते हैं। तो वहाँ से इडन गार्डन स्टेडियम का स्टार्ट होता है और काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये कोलकाता का इडन गार्डन स्टेडियम, और इसके काफ़ी सारे गेट हैं। तो इस रोड के उस पर चलते हैं और आपको और भी सामने से व्यू दिखाते हैं।
कोलकाता का इस क्रिकेट गार्डन स्टेडियम का करीब 17 गेट है, तो यहाँ से इसका मेन गेट है, फर्स्ट गेट यहाँ पे है और यही फ्रंट का व्यू है। तो यहाँ से आपको आगे तक का व्यू दिखाते हैं। और गाइस रोड के उस पर जाने से कोलकाता का इस क्रिकेट गार्डन स्टेडियम का व्यू अच्छा से नहीं दिखेगा, तो मैं आपको रोड के इस पास से व्यू दिखा देता हूँ जिससे आपको पूरा इसका व्यू दिखेगा। इस रोड के इस पार आ गया और इस पार से आप व्यू देख सकते हो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम का। तो और अगर तक चलते हैं और आगे व्यू दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे गेट नंबर 1 है। और स्टेडियम के बाहर दिग्गज क्रिकेटर के फोटो लगाए गए हैं। तो ये है गाइस कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम का बाहर का व्यू। और यहाँ पर है ईडन गार्डन स्टेडियम का गेट नंबर 2। और इसी प्रकार से इस ईडन गार्डन स्टेडियम के राउंड करके टोटल 17 गेट है। तो गाइस ये था कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। तो अब यहाँ से बैक करते हैं। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है लाइक कीजिए और अगर अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद।